तो गाइस आज तीसरा दिन हो गया, मैं लखनऊ नहीं जा पाया। अभी चेक करो गाइस तुम लोग, मतलब मौसम बहुत ज्यादा खराब है इस वजह से। गाइस अपना ये एक नया माउंट जो कि आ गया है, ये भी अपने पास सारे। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई आज अभी सुबह की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे मौसम के साथ जहाँ पे बाहर बारिश हो रही है। आज भी मेरे साथ मतलब भाई जा रहा है, वैसे जाते हम लोग साथ में ही है हर जगह। तो अभी हम जा रहे हैं भाई अपने बाल वाल कटवाने, क्योंकि कल वाले व्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने अपना पीजी वगैरह सब कर लिया है फाइनल, और आज अपने को जाना था रहने के लिए। पर क्या कर सकते हैं, मौसम खराब है तो शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि अपने को ड्यूक लेके जाना होगा। ड्यूक वहाँ पे मेरी परमानेंट रहने वाली है, तो ड्यूक लेके ही जाना होगा हमेशा के लिए। तो हम ड्यूक लेके पानी के मौसम में तो जा नहीं सकते, इतना स्ट्रगल हमसे होता नहीं है कि मार पानी बरस रहा है, पर तब भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए कॉलेज की, तो वो सब छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो पहले जाएंगे बाल वगैरह कटवाएंगे यार, जैसे कि अभी क्या है कि साइड वाइड सब ये सब बड़ी हो रखी है, तो इसकी वजह से हम थोड़े अच्छे अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि कल वाले व्लॉग में मैंने देखा, वैसे भी मैं नहीं अच्छा लगता हूँ बहुत लोगों को, बहुत लोग हैं जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उनको पता है, उनको भी पता चल गया होगा कि मैं किसको कह रहा हूँ। तो अभी पहले जाएंगे बाल कटवाएंगे, फालतू की बातें नहीं करते हैं। गाइस तुम लोग मौसम चेक कर रहे हो, मौसम के बाद यहाँ पे देख लो तुम्हारे भाई के घर वालों का बैनर लगा है, मतलब अपने पापा और भैया लोगों के, ताऊ लोगों के बैनर भी यहाँ पे लगे हैं चिल्ली चौराहे पे। तो मैं तुमको एक चीज और बता दूँ, सारे चौराहे, हाँ सारे चौराहे पे, सिनेमा चौराहे, नुमाइश चौराहे। पहले तो ये बता देते हैं कि भाई मौसम देख रहे हो, अभी टाइम कितना हो रहा है यार, अपनी गाड़ी टाइम नहीं शो करती है, शो करती है कितना हो रहा है, 1 बज रहा है, पर रात का ऐसा लग रहा है शाम का टाइम हो गया, 7 बज गया है। इतना ज्यादा मौसम खराब हो रखा है, तभी मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे बहाना मिल गया। छोले भटूरे खा लो यार, सही में भूख लग रही है। हाँ पहले छोले भटूरे, देन फिर कटिंग कराते हैं। हाँ चलो, बंद है तो बंद भी है, तो ये इसके यहाँ खाओगे, ये तो यहाँ तो खाने नहीं, तो यार किसी और के यहाँ खा लो यार। पर आज 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 हर जगह थोड़ी खा ली, नहीं तो अंदर चल रहे, वो खा लेते हैं, खस्ता खा लेते हैं, तो देखते वो क्या अंदर इधर है, ऑनलाइन लेगा, इनके यहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ ये लोग अच्छा नहीं देते। तो गाइस यहाँ पे गली में आके हम फंस चुके हैं, पर हम लोग खस्ता नहीं खाएंगे, बिकॉज हमारी डाइट थोड़ी खराब हो जाएगी। वैसे हम लोग वो खा लेते हैं छोला भटूरा, तो छोला भटूरा खराब होने की बात नहीं है। हाँ। जो खाने है, जो हाँ, ये तो बात है, वो जो जिस हिसाब का मौसम है उस हिसाब में हमें चाहिए छोला भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा है। चलो यहाँ से गाड़ी पहले तो निकालते हैं। ठीक है भाई, बस ज्यादा काबिल नहीं करनी चाहिए। मैं खा मखा चला चला बढ़ता गया, साथ लेता गया। अभी देखो फिर से इतनी तेज पानी बरसने लगा भाई, यहाँ से दुकान से यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा भीग गए, इनको भी बुलाते इनके लिए भाई, मैं स्पेशल अपने भाई के लिए गाड़ी घुमाना ही पड़ रही है। देख रहे हो कितना भीग गया हूँ, बहुत ज्यादा तेज पानी है, उधर बगल में आया बस तुरंत भीग गया इतनी एक सेकंड में, अब घुमा के लगाएंगे तो भाई साहब मालिक बैठेंगे हमारे, भीग गए एक सेकंड में। चलो तेज बात है, कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जिस बात में खो लेना। गाइस दिस इज नेक्स्ट डे, आप मैंने सोचा था कल बारिश हो रही थी, कल नहीं लखनऊ जाऊंगा, आज भी लेकिन बारिश हो रही है, आज भी नहीं मैं जा पाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया 2 बज रहा है। और देख रहे हो मैंने अपनी ड्यूके को रेडी करके खड़ी कर रखी थी, बस मैं निकलने वाला था, पर फिर से भैया बारिश बहुत ज्यादा तेज है, तो मैंने सोचा नहीं आज भी कैंसिल करते हैं, आज भी नहीं जाएंगे। और देख रहे हो यहाँ पे ड्यूक के फिर से मैंने मिरर्स हटा के घर पे ही रख दिए, क्योंकि मिरर्स में उतनी प्यारी लगती नहीं, विदाउट मिरर्स ज़्यादा प्यारी लगती है। और यहाँ पे पानी तो भाई बहुत ज़्यादा, कल भी वर्षा, आज भी, मतलब पूरे दिन समझ लो बरसेगा, तो मैं आज भी नहीं जाऊँगा लखनऊ, मतलब मूड खराब हो रहा बार बार, पर ठीक है कल जाएंगे, कल सुबह निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है 10:30, मैंने सोचा यार लास्ट टाइम आज एक्सयूवी अपनी चला लेता हूँ, फिर पता नहीं कब मैं आऊँ, वैसे मैं रोज भी आ सकता हूँ लखनऊ से, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे नहीं लगता मैं रोज आऊंगा, अभी 1.5 महीने बाद ही मतलब घर वर आऊंगा। तो मैंने सोचा कि यार चलो अपनी गाड़ियां चला लेते हैं थोड़ी बहुत, अभी मैं थोड़ी देर पहले बुलेट से निकला था, फिर मैंने कहा चलो भाई एक्सयूवी को भी आज चला लेते हैं, बस ऐसे ही निकला हूँ, थोड़ा बहुत घूमूंगा टहलूंगा, देन फिर घर जाऊंगा, व्लॉग बिल्कुल नहीं शूट करूंगा। व्लॉग तो ये मतलब 2 दिन से मैं व्लॉग ही बना रहा हूँ, पर ये व्लॉग अब फिर से कल कंटिन्यू करूंगा, ऐसे मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में क्लिप्स लेता रहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ आजकल, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से, मैं जैसे पहले दिखाता था। तो अभी तो क्या है, बस अपनी थोड़ी बहुत गाड़ी चलाने निकले, मैंने कहा चलो यार थोड़ा घूम आते हैं, देन फिर कल तो अपने को निकलना ही है लखनऊ के लिए,
पर कहीं पानी ना बरसे, फिर मैं तुम लोगों को कल वाले कल मतलब दिखाऊं वीडियो में कि भाई पानी बरस रहा है पानी, तो वो तो दिक्कत अगर होगी वेदर की तो फिर कल भी नहीं जाएंगे। वैसे कल तो मैंने सोच रखा है सुबह निकल जाएंगे 9-10-11 बजे तरफ, तो अभी तो हम जाते हैं थोड़ा घूमते हैं फिर घर चले जाएंगे। गाइज अपना ऐसा ही अपना नू ही है, गाड़ी वाड़ी चलाते रहे मैं। ये तो मैंने हरियाणा वाली लैंग्वेज बोल दी। तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना, ओ मेरी हेर हो ना खफा, ओ मेरी हेर जलना रुला ना कर आफरा लबरे करना। तो गाइज मेरे को लग रहा है ये बारिश मुझे कल भी नहीं जाने देगी। अभी रात का गाइज 12:30 बज रहा है, देख रहे हो कितनी ज्यादा तेज पानी बरस रहा है। मैं इधर घर साइड अपने आ गया हूँ, अभी मैं बीच में घूमने निकल गया था और ये यहाँ पे घोड़े खड़े हुए हैं भाई, देख रहे हो तुम लोग घोड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं रात में, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। पर पानी यार, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी पानी फिर से बरसने लगा यार, मैं पानी से तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब चलते हैं गाइस घर, घूम टहलने के बाद मतलब दोस्तों यारों से मिलने के बाद चिल विल मारने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। और घर पे तो कोई सीन मेरे होता नहीं है, चाहे रात में जाओ चाहे दिन में जाओ चाहे जब जाओ, कोई सीन वाली बात नहीं है, समझे क्या। अपना ऐसा ही अपना नू ही है। बार बार यही आज निकल रहा है मेरे से, आज मैं आजकल ज़्यादा देख रहा हूँ ना ये सब एलविश यादव लोगों को, इन सब लोगों को ज़्यादा देख रहा हूँ तभी अपने मुँह से भी यही निकल जाता है, जिसको ज़्यादा देखो ना तो तुम वैसे ही बोलने लगोगे। ये बात मैंने भाई ऑब्जर्व करी है, चीज़ मैंने मतलब देखी है कि हाँ ऐसा होता है कि जिसको ज़्यादा देखोगे उसी की तरह बोलने भी लगोगे। तो गाइस आज तीसरा दिन हो गया मैं लखनऊ नहीं जा पाया, अभी भी मैं हरदोई में हूँ। मैं सामने दिखा दूँ मौसम, चेक करो गाइस तुम लोग, मतलब मौसम बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से भाई मैंने सोचा कि यार अभी एक दो दिन और नहीं जाते, जब मौसम सही हो जाएगा तब यार जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। मेरा तो आज भी मैं तैयार होके बस ऐसे टी शर्ट वगैरह डाल के मैंने सोचा कि अब ड्यूक निकालता हूँ चला जाता हूँ, देन फिर बारिश होने लगी भाई, पूरी रात रात बारिश हो रही है। तो इस टाइम मौसम की वजह से तो भाई मैं नहीं जा सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज ऐसे में रोड वोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती हैं, तो कुछ भी कल को कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलो कल का वेट करते हैं, कल देखते हैं क्या सीन है। अभी तो मैं इधर जा रहा हूँ क्या नाम है बिलग्राम चुंगी पे, क्योंकि हमको लेना है आकाश भैया से अपना एक माउंट जो कि मैंने ऑर्डर करा के मंगाया था भैया से ही, तो वो भी वो लेते हैं। देन फिर जाना है अपने को, मेरा भाई एलन कूपर मतलब खड़ा है एलन कूपर में, अपने भाई को उठाना है, भाई मेरा शॉपिंग वगैरह कर रहा है, मैं वहीं आया था, फिर मैंने सोचा चलो यार अपना काम जरा निपटा लेते हैं आकाश भैया, बस तब तक वो शॉपिंग वॉपिंग करके रेडी होता है करता है, फिर हमको जाना है बैंक। बहुत सारे अपने पास पेंडिंग वर्क्स हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, पहले तो माउंट ले आते हैं, माउंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे गोपरों में लगेगा वो माउंट, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैंक का काम भी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कपड़े खरीदने वाला काम बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, पर वो भी हमने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत और शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब हमें लग रहा है हम जितने दिन हरदोई में रहेंगे उतने दिन क्या शॉपिंग ही करते रहेंगे क्या, ऐसा मेरे को लग रहा है। गाइज अपना ये एक नया माउंट जो कि आ गया है, ये भी अपने पास सारे माउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। अंश 0011 भाई दुकान खोलने वाला है माउंट वगैरह की, तो अभी जा रहे हैं यार, भाई का फोन आ रहा है, तभी भैया से मतलब ज़्यादा देर बैठे नहीं, और मैं ब्लॉग बनाना भी भूल गया था एकदम। अभी चलते हैं एलन कूपर से भाई को उठाते हैं, कपड़े लेते हैं, देन फिर बैंक जाना है, 2 बजने वाला है, लंच का टाइम होने वाला है, बैंक मुझे लग रहा है मुश्किल आज हम जा पाए। तो गाइस अभी हम लोग हमारी गाड़ी फिर से चल चुकी है, दूसरी जगह हमको जाना है जूते लेने, ये पीछे देखो रखा है एक बैग आ गया है, कपड़े शॉपिंग कर ली है, और कुछ लोगों ने मतलब यहीं पे खरीद के तुरंत पहन भी लिया है, वो बात अलग है इनकी पुरानी आदतें हैं इन लोगों की, तो ये तुरंत जीन्स खरीदे तुरंत पहन भी लिए हैं, हमारी तो ये आदत नहीं है भाई। हमने भी भाई 2-3 जीन्स और ले लिए, पता नहीं मैं भाई कितनी शॉपिंग करूंगा, लखनऊ नहीं जा पा रहा हूँ पर शॉपिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ यार बिल्कुल, मतलब इतनी शॉपिंग कितनी करूँ भाई मैं, क्या हो गया अब यहाँ मैं तो कह रहा तुमसे मैं लखनऊ जाऊंगा वहां से बढ़िया ले आऊंगा। लखनऊ तुम कब जाओगे और कब आओगे, तब तक तुम्हें यहाँ काम नहीं चलेगा, समझो क्या भाई बात को, हम समझ रहे हैं बात को। अभी पानी तो भैया पानी इतनी दूर लगाओ गाड़ी, वहीं लगाओ चल के एकदम जहाँ पे वो जीना है वहां पे लगाओ चल के, हाँ वो देखो कितना पानी भरा है, जूते गंदे हो जाएंगे पूरे घुस जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं तुम्हारे लिए अच्छे ला दूंगा, अच्छे
मतलब जूता लेना इतना ज्यादा इनको आज जरूरी है कि ये इधर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ से चल के घुस के गया जूता खरीदने, क्योंकि इसको भी जूता नया लेके तुरंत पहनना भी होगा। इसकी यही यही भाई, ये ऐसा ही आदमी, इसके पीठ पीछे मुझे बुराई करनी पड़ रही है, ये ऐसा ही बेकार इंसान है। देखो वापस चला आया, पसंद नहीं आया। ओह भाई, शोरूम वालों ने इसको निकाल दिया, छी छी बेइज्जती हो गई भाई एक्सयूवी ले जाके। अच्छा अच्छा फिर चला गया अंदर, पता नहीं क्या करने आया था भाई ये। मतलब ऐसा ही इंसान है, तुरंत खरीदेगा तुरंत पहनेगा भी जाएगा, बढ़िया नहीं लगेगा, तुरंत खरीदेगा और पहन के चल देगा। इसकी आदत है, फिर घर पे आके फिर कहेगा तुम पहना करो, अपना फायदा है भाई। अभी देखो इसको कपड़े दिला के जो लाया हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ एक दो दिन पहनेगा, फिर मुझे अपना तो ऐसा ही, अपना नुई है भाई, लौंडा चूतिया बनाते रहे हैं। कुछ नाम दे।